मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त, आज आपसे एक नए प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा प्लांट है, इसका नाम है एस्पैरेगस फर्न। ये देखिए, एक्चुअली इसका नाम है स्प्रेंगर्स एस्पैरेगस। स्प्रेंगर्स एस्पैरेगस कहते हैं इसे। एक दिन पहले मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाई है, उसमें फॉक्सटेल फर्न बताया था, ये स्प्रेंगर्स फर्न है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस फर्न एस्पैरेगस जो है इसको फर्न कह देते हैं, लेकिन ये लिली फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें अभी जो सीज़न आएगा थोड़े दिनों बाद, वाइट कलर के फूल निकलते हैं और उसमें बेरीज जैसे फ्रूट निकलते हैं। पहले वो ग्रीन होते हैं, फिर रेड होके ब्राउन हो जाते हैं। उससे भी इसको उगाया जा सकता है, लेकिन जो फर्न्स होते हैं वो स्पोर्स से उगते हैं। ये फर्क होता है इसमें। ये लिली फैमिली का प्लांट है और कुछ और गमले भी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बॉटल काट के भी बनाए थे दो। इसमें पुदीना लगाया हुआ है और इसमें जेड प्लांट। ये इधर भी मेरे पास ये दो तीन और प्लांट्स हैं ये मेरे। ये देखिए, टोटल मेरे पास इसके 6 गमले हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। देखिए ये फ्रेंड्स, 3 गमले ये हैं। इनको फ्रेंड्स डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, लेकिन आप देखिए मेरे ये प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट में पड़े हैं, फिर भी कितने हेल्दी हैं, क्योंकि मैं इनको पानी अच्छी तरह देती हूँ, स्प्रे अच्छी तरह करती हूँ, इनको मैं खाद अच्छी तरह देती हूँ इसलिए। नहीं तो जनरली अगर आप इसको फुल सन में रखते हैं तो ये सूख जाता है, ख़राब हो जाता है प्लांट। इसकी ये जो पत्तियाँ हैं, ये छोटी छोटी जो पत्तियाँ हैं इनको क्लेडोड्स कहते हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी पत्तियाँ हैं। उस वाले प्लांट पे फ्रेंड्स बहुत धूप आ रही थी तो हमारी शेडो आ रही थी, अच्छा तरह नहीं पता चल रहा था। मैं इस वाले प्लांट से बता रही हूँ। ये जो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं इसकी, ये देखिए इनको क्लेडोड्स कहते हैं। क्लेडोड्स, ये क्लेडोड्स मतलब ये एक मॉडिफिकेशन है, ये एक्चुअल में पत्ती नहीं है, स्टेम का एक छोटा सा पार्ट है जो लीफ जैसा बन गया है, ये क्लेडोड्स हैं। तो इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। मेरे तो ये डायरेक्ट में पड़े हुए हैं, लेकिन इनको आप शेड में रखिए जहाँ सनलाइट मिले, लेकिन सीधी धूप नहीं आए प्लांट पे। इस प्लांट को भी पानी अच्छा चाहिए, वाटरिंग आप इसको अच्छी करिए, मिट्टी इसकी मॉइस्ट रहनी चाहिए और सॉइल जो है वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि गमलों में वेल ड्रेन सॉइल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग होने से प्लांट्स की जड़ें सड़ जाती हैं। इसकी जड़ें जो हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी जड़ें जो हैं वो फ्लैशी फ्लैशी होती हैं, गोल गोल सी, और उनमें पानी स्टोर हो जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा तो गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। एक आधा दिन पानी नहीं दो आप, लेकिन ज़्यादा दो, गर्मी हो जाए तो इसकी पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं, ब्राउन होके ख़राब होने लग जाती हैं, कि ऐसे सूखने लग जाती हैं, ऐसे सूखने लग जाती हैं बीच बीच में कई पत्तियाँ। वो देखिए, अगर आपकी ऐसी ही पत्ती सूख जाए तो आप इसको यहाँ से काटते जाइए, ये साथ साथ इसकी क्लीनिंग करते रहो प्लांट की। ये देखिए ऐसे पत्तियाँ जो जो सूखती जाती हैं, येलो होने लग जाएंगी अगर आप इसको ज़्यादा धूप में रखोगे। हाँ, केयर के साथ रखोगे तो रह सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इसको, गर्मियाँ जैसे अब आ गई हैं तो आप इसको, मैं भी अब इसको छाया में कर दूँगी, छाया में रखिए। लेकिन छाया में एकदम से आप बहुत ज़्यादा लाइट का डिफरेंस कर देंगे, जैसे यहाँ से उठा के बिल्कुल कमरे के अंदर रख देंगे तो भी ये इतना चेंज बर्दाश्त नहीं करता है। ग्रीन नेट लगा के थोड़ा सा किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए थोड़े दिन, अगर उसके बाद आप इसको फिर बिल्कुल अंदर रख सकते हैं। और अब इसका मार्च से लेकर अगस्त तक इसका ग्रोइंग सीज़न है। इस ग्रोइंग सीज़न में आप इसको एक बार तो गोबर की खाद अच्छी तरह दे दीजिए और उसके बाद हर 10-15 दिन बाद NPK लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है, वो पानी में घोल के DAP और NPK इसको हर 10-15 दिन बाद अगस्त तक आप रेगुलर दीजिए। फिर सर्दी में इसकी ग्रोथ कम हो जाएगी तो आप सर्दी में इसको ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी फ्रेंड्स थोड़ी सी एसिडिक सॉइल चाहिए, तो कभी कभी आपको महीने डेढ़ महीने में एक बार इसको एक चम्मच पानी 1 लीटर विनेगर में घोल के थोड़ा थोड़ा पानी भी इनको देते रहिए, ताकि इनकी जो सॉइल है वो एसिडिक ही रहे। सर्दी में इसको धूप में रख,
सर्दी में बेशक आप इसको सनलाइट में रख सकते हो, गर्मी में ये सनलाइट को बर्दाश्त नहीं करेगा। गर्मी में इसको दिन में 2 बार पानी दीजिए, और इसको मॉइस्ट एयर पसंद है अपने चारों तरफ, इसलिए इसके ऊपर पानी का छिड़काव खूब करिए, उससे इसका रंग भी अच्छा आएगा और प्लांट आपका सुंदर दिखेगा। अब आती है इसकी प्रोपेगेशन की बात, तो जैसे मैंने आपको फॉक्सटेल फर्न में बताया था। अच्छा, एक चीज़ और कि इस प्लांट के जो नीचे रूट्स होती हैं बल्ब जैसी, वो बहुत जल्दी गमले को भर लेती हैं, तो इसमें इसको जल्दी हर साल इसको इस मौसम में, आप एक गमला है तो इसको 2-3 गमले कर लीजिए, इसका पूरा रूट बॉल निकाल के चाकू से 3-4 में काट के 3-4 गमले तैयार कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो वो गमले को तोड़ देगा, तो हर साल इसको इसकी रूट्स पूरे गमले को बाउंड कर लेती हैं, रूट बाउंडिंग हो जाती है इसमें, तो इसको हर साल 2 से 3, 3 से 4 करते जाइए आप गमले, तो आपका ये प्रोपेगेट भी होता रहेगा और गमले भी। तो अभी मैं आपको इसका प्रोपेगेशन करके दिखाती हूँ, स्टे विद मी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब इसको गमले में से निकाल लिया है, ये मेरा गमला देखिए, अभी ये देखिए रूट बाउंड होना शुरू हो गए हैं, ये देखिए बिल्कुल गमले के नीचे तक, जैसे मैंने आपको फॉक्सटेल फर्न में दिखाया था, ये देखिए इसकी भी रूट्स वैसी होती हैं, क्योंकि ये दोनों लिली फैमिली के हैं, तो नीचे ये बल्ब्स जैसी होती हैं। हालांकि देखिए इसकी उत्ती, वो मेरा काफ़ी पुराना गमला हो गया था, इसलिए मैंने, और इसको मैं हर साल बदलती रहती हूँ। देखिए ये मेरे बैकयार्ड में उगा हुआ है, इसको मैं, इसमें इतनी रूट बाउंड नहीं हुई है हम, लेकिन ये जो सीज़न है ये प्रोपेगेशन का ही है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका प्रोपेगेशन कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसे, आप इसको ब्लेड के नाइफ के साथ, ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ये देखिए 2 पोर्शंस में, और ये यही मौसम है जब आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, स्प्रिंग में इन दिनों आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि समर इसका ग्रोइंग सीजन है, लेकिन आप उसमें कोई नेट वगैरह लगा दीजिए। ये देखिए, ये जैसे मैंने इसको 2 में किया है डिवाइड, तो फ्रेंड्स आप इसको 3 में, अब जैसे ये इसको 2 में और करके छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए प्लांट्स, एक प्लांट से ज़्यादा प्रोपेगेट करने हैं। मेरे पास तो ऑलरेडी 4-5 प्लांट हैं, तो मैं सब प्लांट्स को ऐसे 2-2 में डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास बहुत हो जाएंगे, इसलिए मैं इनको बहुत ज़्यादा में डिवाइड नहीं करूँगी। फ्रेंड्स मैंने 2 में ही किए हैं, ये देखिए एक ये 2 में कर दूंगी बस मैं। आप अगर आपके पास एक ही गमला है और आप उसको और ज़्यादा प्रोपेगेट करना चाहते हैं, तो आप इसको भी ऐसे काट लीजिए 2 में, इसको भी, तो आपके 4 प्लांट तैयार हो जाएंगे। मैं 2 कर रही हूँ, ये देखिए एक मैंने ये प्लांट तैयार कर गमला रखा हुआ है। आपको जब भी किसी नए गमले में प्लांट लगाना है, तो आधा घंटा पहले आप उस गमले को पानी दे के छोड़ दीजिए, ताकि उसकी मिट्टी जो है वो सॉफ्ट हो जाए और आपका प्लांट इजीली उसमें लग जाए। ये देखिए, मैं सोच रही हूँ इसकी रूट्स को थोड़ा सा, और ऐसे रूट्स कट करने से कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स, मैं तो बहुत कट करती हूँ। लोग कहते हैं कि रूट बॉल को छेड़ो नहीं कुछ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लांट का अगर ग्रोइंग सीजन है और आप उसकी बहुत सारी एक्स्ट्रा रूट्स में से कुछ हटा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, अब मैं इसमें इसको प्लेस कर रही हूँ, सिंपल है। इसको ऐसे दबा देना चाहिए ताकि अच्छी तरह मिट्टी जो है वो जड़ों में चली जाए। ये देखिए,
अब मैंने इसको लगा दिया है। अभी फ्रेंड्स मैंने इस टाइम इसको खाद नहीं दी है क्योंकि दोपहर का टाइम है, मैंने वीडियो बनाने के लिए ये करा, हालांकि मुझे इसे शाम को या सुबह करना चाहिए था। अब मैंने जैसे आपको मोगरा के वीडियो में बताया है सेम वैसे ही करूंगी मैं, शाम के टाइम इसके ऊपर की दो दो इंच इतनी इतनी मिट्टी निकाल दूंगी ऐसे हाथ से, ऐसे ऐसे, फिर उसमें मैं चारों तरफ ऐसे हटा दूंगी ये मिट्टी और उसमें गोबर की खाद डाल दूंगी। मैंने मोगरा वाले वीडियो में बताया, अगर आपको देखना है तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए ये लग गया, ऐसे ही मैं, ये देखिए मेरा ये लग गया एक प्लांट, इसे अब मैं गर्मियों में छाया में रखूंगी और हर 10 दिन में एक बार इसको एनपीके, एक चम्मच एनपीके 19 19 19 एक लीटर पानी में डिसॉल्व करके, और जितना इसको ज़रूरत होगा आधा डब्बा दे दूंगी, आधा लीटर, ज़रूरी नहीं है एक लीटर दूँ, ऐसे इसको दे दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही मैं ये वाला लगा लूँगी क्योंकि इसकी पुरानी मिट्टी है तो मैं इस मिट्टी को अभी यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए अभी जो निकली है इसमें कितनी रूट्स हैं। इस मिट्टी को मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, अभी धूप लगाऊंगी, धूप में छोड़ दूंगी और जब ये बिल्कुल सूख जाएगी तो इसको छान लूँगी मोटी वाली जो छाननी आती है उससे, और सारी रूट्स हटा दूँगी और अच्छी तरह इसको सुखा के धूप लगा के इसको फिर से इससे पॉटिंग मिक्स तैयार कर लूँगी, इसमें खाद वगैरह मिला के। ये देखिए फ्रेंड्स मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ता है, बस उसको आपको प्रोसेस करना पड़ता है। ये देखिए ओके फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ और दिखा रही हूँ। मैंने गजानिया का आप लोगों को वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि गजानिया के जो प्लांट हैं वो गर्मियों में रह जाते हैं, तो देखिए मेरे गजानिया के प्लांट मैंने छाया में रखे हुए हैं और देखिए अभी कितनी गर्मी आ गई है यहाँ और इतने हेल्दी हैं प्लांट्स, और इनको मैं छाया में रखूँगी तो ये सारी गर्मी ऐसे ही रह जाएंगे। और ये देखिए नीचे से आप इनको, ये एक से दो चार कितने प्लांट्स बने हुए हैं देखिए, ये 1 2 ये 3 ये 4 ये और निकल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए इसमें ये अपने आप मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, नेक्स्ट सीजन आने तक ये एक से कितने ही प्लांट बन जाएंगे। ये देखिए ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस जरूर डालिएगा क्योंकि मैंने ये नया सिस्टम शुरू किया है कि हर हफ्ते मैं एक क्वेश्चन आंसर्स पे वीडियो बनाऊंगी जो आप लोग मेरे से पूछेंगे, ताकि मेरे सारे व्यूअर्स की क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। ओके फ्रेंड्स बाय।